वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, कॉम्पिटिशन कमेटी के इस महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव साइंस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस कॉम्पिटेटिव साइंस सीरीज में हम कवर करते हैं जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरमेंट साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन महत्वपूर्ण कंसेप्ट को जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को हमने इनोवेटिव बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रिक्स, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड मोटिवेशन को भी शामिल किया है। और आज के कॉम्पिटेटिव साइंस के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द पीरियोडिक टेबल। आप सोच रहे होंगे पीरियोडिक टेबल क्यों? डियर फ्रेंड्स, यहां पे याद रखिएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा इनोवेटिव तरीके से जान लें, किसी भी एलिमेंट को देख के पहचान लें कि वो कौन से ब्लॉक से है, उसकी पोजिशन क्या है, इतने में आपके लिए उस क्वेश्चन को करेक्ट करना आसान हो जाता है, आपको अपना कंसेप्ट बिल्ड करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस टॉपिक को इस तरह कवर करेंगे ताकि आप सिविल सर्विस एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम में ज्यादा बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायमेंशन बहुत डेप्थ लेवल पे नहीं होगा लेकिन बहुत इनोवेटिव लेवल पे होगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, आप आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए और सही ऑप्शन को पकड़ पाए। ये कंटेंट वैसे तो आपके सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस में भी है, हालांकि वहां पर इसका डायमेंशन इसमें मेटल्स नॉन मेटल को लेकर है। यदि हम आप इन सभी महत्वपूर्ण तत्वों को जान लेते हैं तो आसानी से मेटल नॉन मेटल को बिल्कुल चुटकी में आप पहचान सकते हैं, यानी कि बहुत आसानी से पहचान सकेंगे। यहां पर समझेंगे इस पीरियोडिक टेबल को कुछ आसान मेथड से, ताकि आप पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे एप्लीकेशन कर पाए, इसका अनुप्रयोग कर पाए। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमको केवल मतलब रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको किसने बनाया था? हेनरी मोस्ले साहब ने बनाया था। तो मोस्ले साहब के इस महत्वपूर्ण आधुनिक आवर्त सारणी से ही हमको मतलब रहेगा और इसी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर इसकी हिस्ट्री को थोड़ा गौर किया जाए तो सबसे पहले जब जैसे जैसे तत्वों की एलिमेंट की खोज होती चली गई, इसको कहीं ना कहीं एक जगह सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना या व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हुई, तो सबसे पहले डोब्राइनर साहब का ट्रायड लॉ आया, न्यूलैंड साहब का ऑक्टेव लॉ आया, उसके बाद देखते हैं लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के आधार पर जितने भी एलिमेंट्स को नए नए तत्वों को स्थान देने की बात की गई। मेंडलीव साहब, सबसे बड़ी बात, मेंडलीव साहब ने एक बहुत बड़ा क्या पीरियोडिक टेबल बनाया और इसको जो है उन्होंने इस लाइक पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को, तत्वों को जगह देने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एक जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद उन्हीं के ही स्टूडेंट कौन है, मोस्ले साहब आते हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी को बेस बनाते हैं और उसी को फिर से रीअरेंज करके फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ही इन्होंने ही बताया था कि इन्होंने, मोस्ले साहब ने बताया था। जब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, जिसको ही हमको मतलब रहेगा, इसी चीज से ही हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए इस पीरियोडिक टेबल को हम थोड़ा इनोवेटिव तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने तत्वों को जगह दी गई है? 118 तत्वों को जगह दी गई है, 118 एलिमेंट को जगह दी गई है। और यदि मैं बात करूं कितने ब्लॉक हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मतलब टोटल चार ब्लॉक है, यानी सभी एलिमेंट को इन चार ब्लॉक में स्थान दिया गया है। यदि मैं किसी एलिमेंट को कहता हूं, मान लो आयरन कह दिया, मान लो मैं निकल कह दिया, क्रोमियम कह दिया या फिर मैं एलुमिनियम कह दिया, तो आपको इसको देख के पहचानने आना चाहिए कि ये कौन से ब्लॉक से, और ज्यादा नहीं, केवल 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट को भी याद रखोगे तो आपका 80-90% काम हो जाता है। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। चले यहां पर बात करते हैं, जब ये चार ब्लॉक में जगह दी गई है तो थोड़ा सा सुन लीजिए, जितने भी एस ब्लॉक वाले होते हैं ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं, एक्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन जिसको हम आवारा तत्व, आवारा एलिमेंट भी कहते हैं, वास्तव में उसकी पोजीशन यहां पर होनी थी, कहां पर, इस जगह पर भी हो सकती है, लेकिन इसके स्थान को लेकर अभी भी विवाद है। हाइड्रोजन यहां पर हो सकता है क्योंकि यहां पे भी कुछ प्रॉपर्टी उसके साथ मैच करती है और कुछ गुणधर्म इसके साथ मैच करते हैं, इसलिए तो आवारा कहा जाता है। तो मैंने कहा एस ब्लॉक में पूरे के पूरे एस ब्लॉक क्या है, मेटल्स हैं, धातुएं हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। उसी प्रकार यहां पर डी ब्लॉक, ये भी सब के सब क्या है, मेटल्स हैं,
ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें आएंगी अभी मैं बताऊंगा। आप पूरा एफ ब्लॉक को लिखो, पूरे के पूरे एफ ब्लॉक भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, मतलब एस पी एस डी और एफ को देखते हैं ज्यादातर मेटल्स ही हैं। ओवरऑल पीरियोडिक टेबल का 75% तो सब क्या है, धातुएं हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स मतलब ये सॉलिड होगा, पीटने पर ठन से आवाज आएगा, यानी कि कहना चाहिए कि इसकी कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं, उसको पीटने पर फैल जाएगा, खींचने पर खींचा जाएगा, है ना, उसकी डक्टिलिटी, उसकी मेलेबिलिटी होती, कहा जाता है इन सब चीज को। बहरहाल यहां पर एस डी और एफ को देखा तो पी में एक ऐसी खास बात है जो आपके एग्जाम में अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, दैट इज पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जहां पर मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा और मेटलॉइड भी मिलेगा। यानी कि मैंने कहा कि इधर देखो नॉन मेटल है, इधर देख रहे हैं कि यहां पर मेटल्स हैं, और ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ये मेटेलॉइड है, यानी उपधातु है। मतलब क्या है, अधातु, धातु और उपधातु, नॉन मेटल, मेटल और मेटेलॉइड। इज इट क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जहां पे तीनों प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। और यदि मैं बताऊं आपका नॉन मेटल और कहां मिलता है, कहीं नहीं मिलता, एक्सेप्ट इस हाइड्रोजन को छोड़ दें तो, ठीक है, इज इट क्लियर? बाकी आपको इसको देख के पहचानने आना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को आज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बिल्कुल लर्न करवा दूंगा, इवन आपको मेटलॉइड को भी लर्न करा दूंगा, और ये ट्रिक के मेथड्स, ठीक है, हो सकता है बचपन से इन ट्रिक को जानते भी होंगे लेकिन अभी यहां पे उसको रिवाइज करने की जरूरत है। चलिए पढ़ेंगे उसे। अब यदि मैं इस पीरियोडिक टेबल में देखूं तो एक बात और समझ में आती है, 118 तत्वों को जब जगह दी गई है तो उसके अलावा इसमें कुछ खास बातें हैं, इनको अगर हम हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज इस प्रकार अरेंज कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पीरियड या आवर्त कहा जाता है, इसे आवर्त कहा जाता है। मतलब क्षैतिज इस प्रकार, तो इसको आवर्त, तो कितने आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। उसी प्रकार इसको वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर अरेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं या वर्ग कहते हैं। तो कितने वर्ग हैं कहा जाए तो 1 से लेकर इधर 18, मतलब टोटल 18 क्या है, ग्रुप्स हैं, 18 वर्ग हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करें तो 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, जबकि मेंडलीव साहब के समय में कितने थे, 7 आवर्त तो थे, 7 पीरियड तो थे, लेकिन 8 क्या था, ग्रुप था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखना ये सभी चीजें हम केवल इसी मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब यहां पर इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा गौर से देखें तो अलग अलग चीजें आएंगी जिसको मैं आज फिल करा के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि हम इसमें पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे, इसमें रिलेटेड कुछ चीजें और आती हैं, इसको मैं यहां पे समझाता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा अगर हम देखें तो अगर हम एस ब्लॉक वाले को और क्या कहा जाता है, तो एस ब्लॉक वाले को कुछ कहा जाएगा, उनका नाम आप लोगों को यहां पर नोट करना है, उसी प्रकार पी ब्लॉक वालों को भी यहां पर नोट करना है, ठीक है। चलिए नोट करना स्टार्ट करिए, ये बहुत काम की चीज है, एक भी इररिलेवेंट कंटेंट नहीं दूंगा, सब रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट दूंगा। यहां पर पहले ग्रुप को कहा जाता है, पहले ग्रुप को कहा जाता है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको कहा जाता है एल्कली मेटल या क्षारीय तत्व या क्षारीय एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, एल्कली मेटल्स या एल्कली एलिमेंट्स कहा जाता है, एल्कली एलिमेंट्स या एल्कली मेटल्स कहा जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब तो मेटल्स हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। दूसरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, आसानी से मिलता है, कैल्शियम बहुत आसानी से मिलेगा आपके, मैग्नीशियम वगैरह मिलेगा, तो इसलिए याद रखना इनको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, यानी कि क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु या एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट देखें, ये आपका एस ब्लॉक का दो नाम हो गया, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। अगर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इसे कहा जाता है संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। उसी प्रकार पी ब्लॉक को तो मैं अभी सेपरेट आपको बताऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में काम आएगा। इसके बाद देखिए इधर लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, एक्चुअल में लेंथेनाइड को कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट,
दुर्लभ मृदा धातु, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिलते हैं, नहीं मिलते। हालांकि एक्टिनाइड भी बहुत दुर्लभ मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन लैंथेनाइड इज बेसिकली नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा धातु। लिख लो, पूरे के पूरे एफ ब्लॉक क्या है, मेटल्स है। मैंने बताया पूरे के पूरे एफ ब्लॉक मेटल्स है। अगर मैं यहां एक्टिनाइड्स कहूंगा तो आप लोग एक वर्ड सुने हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय धातु या तत्व। तो रेडियो एक्टिनाइड को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी बेकरल साहब ने किया था। उन्होंने क्या बताया था, हेनरी बेकरल साहब ने इसी में बताया था, जैसे कि आप लोग सुने होंगे ना अलग अलग प्रकार के एलिमेंट, जैसे कि आप लोग सुने हो कि यूरेनियम सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे प्लूटोनियम सुने होंगे, वैसे आप लोग सुने होंगे क्या है लाइक थोरियम सुने होंगे, एक्टिनियम सुने होंगे, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी किसने किया था, हेनरी बेकरल साहब ने किया था, हेनरी बेकरल। और इसमें देखा उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ, इसमें तीन प्रकार की अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप के रेडिएशन निकल रहे हैं, इनको उन्होंने बेकरल रेज कह दिया। बाद में उन्हीं के स्टूडेंट आती है कौन, मैडम क्यूरी, वो कहती है तीनों में अलग अलग चार्ज है, इसको अल्फा बीटा और गामा रेस उन्होंने कह दिया मैडम क्यूरी ने, जो आपके रेडियम को इन्वेंट भी किया था, पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट, पहला कृत्रिम ऐसा तत्व जिसको जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर उन्होंने इन्वेंट यानी आविष्कार किया था, वो है रेडियम। तो ये हेनरी बेकरल है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी और उनको आगे एक्सप्लेन किया था मैडम क्यूरी ने। अगर मैं यहां पर एक्टिनाइड सीरीज की बात करूं, जैसे जितना देख रहे हैं आपका एक्टिनियम, थोरियम, आपका क्या प्लूटोनियम, जितने भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ये कंटेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बेहतर वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे बेस्ट वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, और आपको इसे क्या है यहां पर बताना भी है। ठीक है, बताइए यहां पर कौन सा है। तो मैं यहां पर प्रयास करता हूं चलो लिखने का, आप इस सीरीज को पूरा करना। ठीक है, यूरेनियम 235 ये सबसे बेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। उसके बाद होता है दूसरा, दैट इज प्लूटोनियम 239, ये दूसरा सबसे बेस्ट प्रकार का मटेरियल होता है। तीसरे नंबर में आता है यूरेनियम 238, चौथे नंबर में आता है आपका यूरेनियम 233 और पांचवें नंबर में आता है थोरियम 232। भारत में थोरियम का भंडार दुनिया के कुल भंडार का 25% है, लेकिन जब यूरेनियम की बात करूंगा तो भारत में दुनिया के कुल भंडार का केवल 1% क्या है आपका यूरेनियम मौजूद है। सबसे बेस्ट क्या है, यूरेनियम 235, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास यूरेनियम है ही नहीं। आप 1 ग्राम यूरेनियम की कीमत जान सकते हैं या 1 ग्राम यूरेनियम की वैल्यू बता सकते हैं, कितना पावरफुल होता है 1 ग्राम यूरेनियम जो आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इससे 5 × 1 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है 1 ग्राम यूरेनियम से। तो कितना पावरफुल है समझ सकते हैं, इसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज किया जा सकता है। बहरहाल हम जिस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आगे हम उसको समझते हैं, ये तो आपको अलग से मैं बताते चलूंगा, ये सीरीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट चीज है। यहां जाते जाते एक पॉइंट और यहां बताता हूं, देखो जो यूरेनियम बेस्ट है कौन सा, यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 238 तीसरे रैंक में है। तो हमारे पास देखते क्या है, जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है ना, नेचुरल यूरेनियम क्या है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में संयुक्त अवस्था में मिलता है, जिसमें यूरेनियम 235 0.7% ही होता है, बाकी 99.3% क्या होता है आप यूरेनियम 238 होता है। तो सबसे काम की जो चीज है ये है, लेकिन ये तो बहुत मिल रहा है, एक तो वैसे ही मुश्किल में मिलता है, मिल भी गया तो उसका 0.7 है केवल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये एक्टिनाइड सीरीज को याद रखने का भी ट्रिक आगे बताऊंगा। आज के सेशन में आप लोग को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लर्न करवाऊंगा, अगले सेशन में डी और एफ ब्लॉक लर्न कराऊंगा, जिसके बेस पे आप आसानी से क्वेश्चन बना सकेंगे। इज इट क्लियर। चलो अब मैं पी ब्लॉक को थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। देखो पी ब्लॉक को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके अलग अलग ग्रुप को, जैसे कि हमको पता है कि 18वें ग्रुप को क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, शून्य समूह भी कहा जाता है, इनको और क्या कहा जाता है, अक्रिय तत्व यानी इनर्ट, है ना, इनर्ट एलिमेंट भी कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि सबकी सब गैस है, हीलियम से लेकर नीचे आपके रेडॉन सब क्या है, गैस है।
इसके बाद इसको क्या है, अक्रिय मैंने लिख लिया। इसके अलावा क्या कहा जाता है, नोबल गैस भी कहा जाता है, नोबल गैस भी कहा जाता है 18वें ग्रुप को। इसके बाद फ्लोरीन वाले ग्रुप को, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको आगे बताऊंगा, इसको हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जैसे कि घर में नमक खाते हैं ना, NaCl, तो नमक क्या है, सॉल्ट है, लवण है, NaCl, तो क्लोरीन है। उसके बाद देखते हैं कि आपका HBr हो, अलग अलग प्रकार के जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड, ये सब के सब क्या है, आपके सॉल्ट निर्माण करते हैं, लवण निर्माण करते हैं, इसलिए हैलोजेंस कहा जाता है। ऑक्सीजन वाले को क्या कहा जाता है पता, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑक्सीजन वाले को कहा जाता है चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी अयस्क देखते हैं, जितने भी अयस्क देखते हैं वो क्या है, ये ऑक्साइड हो सकते हैं या फिर दूसरे सल्फाइड हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली वाले क्या बनाते हैं, लवण, सॉरी क्या बनाते हैं, अयस्क, यानी ओर निर्माण करते हैं। ये चेल्कोजेंस है, ऑक्साइड और सल्फाइड वाले ओर होते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, यदि हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली को, तो नाइट्रोजन फैमिली को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है निकोजेंस। निकोजेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं ना, उर्वरक या फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो कौन किससे बनता है, नाइट्रोजन फैमिली से बनता है। जैसे कि आप लोग यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सब देखते हैं ना, तो आप लोगों को यहां पर देखना कि ये जो निकोजेंस है, इसी की मदद से आपके फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, तो नाइट्रोजन है कि नहीं उसमें। मैं सुपर फॉस्फेट कहता तो PO4 फॉस्फेट है कि नहीं, फॉस्फोरस है कि नहीं यहां पर। तो इस प्रकार ये चेल्कोजेंस कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, आपके उर्वरक है ना, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली को अलग नाम से नहीं जाना जाता, याद रखना। चलो मैं आप लोगों को अब लर्न करवाता हूं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लर्न कराऊंगा किसे, दैट इज एस ब्लॉक को। तो एस ब्लॉक को याद करने का तरीका यहां पर बताता हूं, बचपन से इस ट्रिक को पढ़ते आ रहे होंगे, ये ट्रिक को भी यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये ट्रिक है यहां पर, इसकी मदद से इसे क्या करेंगे, फिल करेंगे। पहले तो आप ट्रिक को दिमाग में बैठा लो, हलीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से पहले जानते भी हो, लेकिन अल्टीमेटली हमको लर्न करने से मतलब है, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत सारा चीज बना सकेंगे, मैं आगे बताऊंगा उसे। जब हम इस एस ब्लॉक को लर्न करने के प्रयास करते हैं, देखो एस से क्या आ जाएगा, यहां पर एक एक चीजें देखते चलिए। एस से आ जाएगा क्या है आपका, हाइड्रोजन। ली से क्या आ जाएगा, यहां पर दूसरा क्या देख रहे हैं, लिथियम। ना से क्या आ गया, सोडियम। उसके बाद क्या आ गया, यहां पर क्या हो गया, के। के की से क्या है, पोटेशियम। आर से क्या है, रुबीडियम। सी से क्या है, सीजियम। और एफ से क्या है आपका, फ्रांसियम। ये अलग अलग चीजें आ गई, तो इस प्रकार आप इसको फिल कर सकते हो। हलीना की रब से फरियाद, तो एच ली एल हलीना। उसके बाद की रब से फरियाद, क्लियर हो गया। उसके बाद इसे फिल करने का प्रयास करिए, यहां बेटा से क्या लिखना, यहां पे क्या आ गया, बे से क्या आया, यहां पर बीई। यहां पर क्या आया, बी, बेरिलियम। उसके बाद मां से, मांगे से क्या है, मैग्नीशियम। बेटा, उसके बाद क्या है आपका, कार। कार से क्या आ गया, CA। उसके बाद क्या आ गया, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो स्कूटर से क्या आ गया, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, उसके बाद क्या है, BA से क्या है, BA यानी कि बेरियम। और यहां से आ गया क्या है, रा से क्या है आपका, रेडियम। इस प्रकार आप देखते क्या है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्या है, एलिमेंट आपने देखा, जिसमें कि हम यहां पर लिख सकते हैं। देखो यहां पे पहला ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप, तो यहां से आप लिखने का स्टार्ट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, अलग इंक ले लेता हूं, यहां पर बीई मैग्नीशियम कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, और उसके बाद बाप राजी। ये बेम का सरबारा भी इसे हम कह सकते हैं, या फिर हम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी से याद रख सकते हैं। पहले ग्रुप को हमने क्या कहा था, एल्कली मेटल कहा था, दूसरे वाले को एल्कली अर्थ मेटल बताया था। क्यों कहा था, ये सब के सब कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे, केवल क्या है, बेसिक नेचर यानी कि क्षारी प्रवृत्ति वाले बनाएंगे, याद रखना। इसलिए इसको क्या है, एल्कली अर्थ मेटल या एल्कली मेटल कहा जाता है। जब मैं आप लोगों को, अब मैं पी ब्लॉक की ओर ले चलूं,
तो पी ब्लॉक में भी ऐसे ही याद करना है, समझना है। तो पी ब्लॉक वालों को यहां पर लर्न करेंगे, उससे पहले मैं यहां पर बीच में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि हम इस पी ब्लॉक को देखें तो एक बात समझ में आएगी। देखो यहां पे क्या है, जैसे सीढ़ियां नहीं होती है, हम सीढ़ी से उतरते हैं तो इस प्रकार डाउन स्टेयर्स देख रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो सीढ़ी के राइट हैंड साइड क्या होगा, नॉन मेटल यानी अधातु होगा। इस सीढ़ी के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, वो धातु यानी मेटल होगा। और जो सीढ़ी से यहां पर है सट के जो येलो कलर दिख रहा है, ये क्या है, मेटेलॉइड है यानी उपधातु है। इन उपधातु को याद रखने का मैं ट्रिक में बता देता हूं, जिसकी मदद से आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। तो ये है ट्रिक, क्या है, बोले शिव जी ऐसे सब तेरे पुण्य, बोले शिव जी ऐसे सब तेरे पुण्य। अगर इसे हम यहां पे समझें क्या क्या है, तो बोले से क्या है बोरान, शिव जी से क्या है यहां पे शिव सिलिकॉन, जी से क्या है जर्मेनियम, ए से क्या है आर्सेनिक, एस बी से ले क्या है एंटीमनी, टी ई से क्या है टेल्यूरियम, पी से क्या है पुण्य, से क्या है पोलोनियम। ये क्या है, 3 और 3 6 7, ये 7 क्या है उपधातु है, या फिर इनको कहा जाता है मेटेलॉइड कहा जाता है। इज इट क्लियर, ये 7 ही मेटेलॉइड है और नहीं है। क्या होता है इस मेटेलॉइड की खास बात, थोड़ा गुण इधर की तरफ का, थोड़ा इधर की तरफ का, यानी कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल होगा, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसे होगा, इसको उपधातु या मेटेलॉइड कहा जाता है। तो थोड़ा देखो इसे ऐसा समझो, जो देख रहे हैं कि यहां पे जर्मेनियम और सिलिकॉन देख रहे हैं, लाइन किस तरफ है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड है, तो जर्मेनियम ज्यादा प्रॉपर्टी मेटल जैसे दिखाएगा और कम प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसे दिखाई देगा, क्योंकि ये लाइन किस तरफ है। अगर मैं आर्सेनिक सिलिकॉन की बात करूं तो यहां पर ज्यादा प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसे दिखेगा और कम प्रॉपर्टी क्या है मेटल जैसे दिखेगा, ज्यादा गुण अधातु जैसे, कम गुण धातु जैसे दिखेगा। हालांकि ये उपधातु है तो ये बात तो हमेशा ही सच रहेगा कि वो दोनों के ही गुण प्रदर्शित करेगा, तभी तो इसको मेटालॉइड कह रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ मेटालॉइड या उपधातु 7 है, कभी भूलोगे ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलो अब पी ब्लॉक को यहां पर लर्न करने का प्रयास करते हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान भी है। जब यहां पर हम बात करें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आप लोगों को समझना है कितने मेटल्स होते हैं, कितने धातुएं होते हैं। तो देखो 13वें ग्रुप में कितना है, 1 2 3 4, क्योंकि ये कलर आपके मेटल का है ना, 1 2 3 4 क्या है, पहले ग्रुप में कितने हैं आपके, 4 क्या है मेटल्स हैं। दूसरे ग्रुप में बात करें तो 1 और 2 ये दो चीज है ना हमारे पास, 3 और लेड ये क्या है आपके पास, 2 है। उसके बाद करते हैं हमारे पास क्या है 15वें ग्रुप में कितना है, 1 है, तो कितना 4 2 6 1 7, 7 ही क्या है इसमें मेटल होते हैं। कुछ किताबों में आपको इसको भी शामिल कर लिया जाता है, बट डोंट बी कंफ्यूज, दे आर मेटलॉइड, ये क्या उपधातु है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मैं बात करूं यहां पर बाकी इधर देख रहे हैं येलो के बाद बाकी राइट हैंड साइड जितना देख रहे हैं ये सब के सब क्या है अधातु यानी कि नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन को भी मैंने यहां पे माना था, इसलिए क्या ये भी अधातु या नॉन मेटल है। इज इट क्लियर, तो चलो इसे लर्न करने का प्रयास करते हैं, इंटरेस्टिंग है। पहले बोरान फैमिली को देखते हैं। देखो बैंगन आलू गाजर इन थैला ये लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखो, इसे फुल फॉर्म लिखने का प्रयास करिए। तो यहां पर बैंगन से क्या है बोरान, ए से क्या है आलू, उसके बाद जी ए से देख रहे हैं यहां पर गैलियम, और इसके बाद इंडियन, उसके बाद क्या है यहां पर थैला यानी कि थैलियम को टी एल लिखा जाता है, इस प्रकार याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देता है, देखो कार्बन फैमिली को याद रखने का बहुत आसान सा ट्रिक है। आप अपने फ्रेंड को अपने सिस्टर के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपका फ्रेंड आपके सिस्टर को नहीं जानता, ठीक है, तो वहां पे 3 गर्ल्स खड़े हैं, तो आप अपने फ्रेंड को ये कह रहे हैं कि वो मेरी सिस्टर है, कौन सी, गीता स्नेहा प्रभा। आप अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सिस्टर को, तो आप उनको क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी सिस्टर कौन ही है, कौन सी है, गीता स्नेहा या प्रभा। इज इट क्लियर, आप सामने वाले को इंगित कर रहे हैं 3 गर्ल्स हैं और तीनों में आपकी एक सिस्टर है, तो आप उनको कह रहे हैं कि कौन सी, गीता स्नेहा या प्रभा, कौन सी तुम्हारी सिस्टर है, ये आपको आपका फ्रेंड आपको पूछ रहा है। तो यहां पर
कौन से क्या है कार्बन, उसके बाद क्या आ रहा है एस आई से क्या है सिलिकॉन, इसके बाद देख रहे हैं जी आपका कौन सी, इसके बाद क्या है आपका जर्मेनियम, उसके बाद स्नेहा से क्या है आपका देख रहे हैं इसे क्या है स्टेनम या फिर इसे टिन कहा जाता है, और प्रभा यानी कि पीवी, कौन सी गीता स्नेहा या प्रभा, इज इट क्लियर। चलो नाउ ऐसा आपका एक दोस्त है जो थोड़ा सा क्या है एंटी सोशल टाइप का है, थोड़ा सा हो गया है समझो, मतलब थोड़ा सा वो गलत उसकी आदत पड़ गई है, वो पीता वीता बहुत सारा है, बहुत ज्यादा पीता है। आप उनको कह रहे हैं भाई कि ऐसे पिया विया मत कर सबके साथ, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। तो यहां पर नाइट्रोजन फैमिली जिसको मैं क्या कहा था चैलकोजेंस या निकोजेंस, निकोजेंस कहा था। तो यहां पर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ऐसे की बात आपका एंटीमनी और यहां पर बिस्मत, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है, ना पी ऐसे सबके बीच, इस प्रकार याद रखना। वैसे मैं कहूं आपकी ऑक्सीजन फैमिली को जिनको हम क्या कहते हैं चैलकोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अयस्क यानी ओवर फॉर्मेशन करता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ओ स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब चीटिंग करना इन जनरली होता है। तो जैसे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति यहां बैठा है, इसके बाजू में ये बैठा हुआ है और ये चीटिंग करने का प्रयास करता है, तो ये ओ स्टाइल से टीप रहा, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी आगे पीछे सब तरफ लेफ्ट राइट सब तरफ देख रहा है, तो ओ स्टाइल से टीपो, ओ से खुद ऑक्सीजन आ गया, स्टाइल से क्या है आपका सल्फर आ गया, उसके बाद क्या है सेलेनियम आया, उसके बाद क्या है आपका ये कौन सा आ गया टेल्यूरियम आ गया, और पी से क्या है पोलोनियम आ गया, ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, इज इट क्लियर। नाउ यहां पर अब इस हैलोजन फैमिली को याद रखने का बहुत आसान तरीका है, फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा, तो यहां पर फ्लोरिन क्लोरिन, फिर कल बाहर ब्रोमिन आयोडीन और एस्टेटीन। तो यहां पर हमारे पास जो देख रहे हैं एस्टेटीन वाला, ये इस प्रकार देख रहे हैं फिर कल बाहर आई आत्मा, आप लोगों को याद रखना होगा आयोडीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो क्या है यहां पर जो सॉलिड है, यहां पर ब्रोमीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो क्या है जो बेसिकली ध्यान रखना वो क्या है आपका लिक्विड है, जबकि यहां पर बाकी अधातुओं में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड है, एकमात्र ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो ब्रोमीन होता है, ठीक। चलो लास्ट वाले को देखो, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, तो हीना हीलियम नियान, हीना नीना और करीना, और करीना यानी कि यहां पर क्रिप्टान, आर्गन के बाद क्रिप्टान, का कोई मतलब नहीं है, हीना नीना और करीना है ना, हीना नीना और करीना का एक्सरे, एक्सरे मतलब यहां पे जेनान और रंगीन से क्या है रेडान। तो ये सब चीजें याद रखनी है जो आपके पी ब्लॉक से रिलेटेड है, ये सब चीजों को सीख जाइए, फिर आखिरी में मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि इसकी मदद से आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपका क्रैक होता है, लेकिन पहले हम इनकी पोजीशन को लर्न करें समझें, तो इसलिए आपको वेट करना होगा अगले सेशन तक, जिसमें कि अगली बार मैं आप लोग को एफ और डी ब्लॉक भी जो है लर्न करवाऊंगा, तो यहाँ पे इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से पी ब्लॉक को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप ये बातें सबको क्लियर हो गई। इसमें आप लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर इनके पोजीशन को जान जाएंगे तो बहुत आसानी से इनकी मदद से ऑप्शंस को क्रैक कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक आध दो एग्जांपल मैं बता देता हूं, चलो उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जैसे आप में से ये आपको यही पूछा जाता है पहला कि इनमें से कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, तो आपने जब मेटलॉइड को सेपरेट कर दिया उसके लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं राइट साइड में कितने होते हैं, राइट साइड में क्या होगा केवल नॉन मेटल होगा, लेफ्ट साइड में केवल मेटल होगा। और आप ये भी तो जानते हैं कि पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जहां पर नॉन मेटल भी मिल रहा है, मेटलॉइड भी मिल रहा है और मेटल भी मिल रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई। आपने आज ही जाना अभी चीज समझा जब इसको ऑक्सीजन को मैंने कहा इसे चैलकोजेंस कहा था, आपको पूछा जाता है इसमें किसमें में अयस्क निर्माण की सर्वाधिक क्षमता होती है, तो ऑक्सीजन फैमिली में होती है, इसलिए उसके ही ज्यादा ऑक्साइड और सल्फाइड और मिल जाते हैं, मैग्नेटाइट हेमेटाइट एक्सेट्रा,
वैसे ये बात भी याद रखना, आगे मैं बताऊंगा जब आपको पीरियडिक टेबल में और बहुत सारी बातें, एकमात्र ऐसा ब्लॉक है डी ब्लॉक जहां पर सर्वाधिक मात्रा में एलॉयज बनाने की क्षमता होती है। मिश्र धातु बनाने की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? इसमें होती है। अगर आपको इससे प्रश्न पूछा जाता कि गिवन ऑप्शन में कौन एलॉयज नहीं बनाता है या कौन बनाता है, ऐसा पूछ दिया, मिश्र धातु कौन बनाता है कह दिया, तो अगर आपको डी ब्लॉक का ये एलिमेंट का लिस्ट मालूम है तो आसानी से बता सकते हो, आप आंख मूंद के टिक कर सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब वो एलॉयज बनाएगा, मिश्र धातु बनाएगा। इसी टाइप के कुछ मेथड्स मैं आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस में भी बताऊंगा। आज के सेशन में का जो है बहुत ज्यादा हमने कंटेंट कवर नहीं किया है, लेकिन इस दो ब्लॉक को ही आज जानिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक को लर्न करने के तरीके के साथ। और इसके बाद जो है मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिनकी मदद से आप आसानी से ऑप्शंस को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।